सिंह और आप देख रहे हैं एरिया न्यूज़। बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनावत हमेशा किसी ना किसी बात को लेकर के सुर्खियों में बनी रहती हैं। हाल ही में इनके द्वारा ही कर्नाटक मुद्दे पर दी गई अपनी राय के कारण काफी बवाल हुआ था। बता दें कि कंगना रनावत बॉलीवुड की एक सफल अभिनेत्री है जो अपनी बेबाक राय के लिए जानी जाती है। कंगना रनावत फिल्मों में एक्टिंग तो करती ही हैं, साथ ही इन्होंने कई फिल्मों को बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस बार कंगना रनावत दर्शकों के लिए कुछ ऐसा धमाकेदार लेकर आई हैं जो दर्शकों के लिए काफी इंटरेस्टिंग साबित हो रहा है। बता दें कि कंगना रनावत एक रियलिटी कार्यक्रम लेकर आई है जिसका नाम है लॉकअप, जिसके अंदर इंडिया के कई फेमस टिकटॉक स्टार और टेलीविजन अभिनेता तथा अभिनेत्रियां शामिल हैं। आपको बता दें कि एकता कपूर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। यह एक ऐसी महिला है जिन्होंने टीवी सीरियल पर कई सुपर डुपर हिट सीरियल को डायरेक्ट और प्रोड्यूस करने का काम किया है। एकता कपूर भारतीय दर्शकों के लिए एक अनोखा प्रोग्राम लेकर के आई है जो की एक रियलिटी शो है जिसका नाम है लॉकअप। जी हाँ, आपको बता दें कि लॉकअप रियलिटी शो को एकता कपूर के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम के अंदर आपको सच्चाई और विवादों का काफी मेलजोल देखने को मिल रहा है, जिन्हें एक जेल में बंद कर दिया गया और उनके क्रियाकलापों को टीवी के ऊपर दिखाया जा रहा है। आपको बता दें कि कंगना रनावत होस्टेड शो लॉकअप काफी तेजी से अपने पहले फिनाले एपिसोड की तरफ बढ़ रहा है। एकता कपूर के प्रोडक्शन में बना ये शो सनसनीखेज खुलासों और आए दिन होने वाले विवादों के चलते सुर्खियों में बना रहता है। आपको बता दें कि लॉकअप के हालिया एपिसोड में कंटेस्टेंट आजमा फला ने अली मर्चेंट को बुरी तरह एच शेम किया। शो में आजमा से जुड़े और भी विवाद पिछले दिनों सुर्खियों में बने रहे हैं। हालिया एपिसोड की बात करें तो अली ने जाकर जब आजमा से बाथरूम को ठीक से साफ करने को कहा तो पहले तो आजमा ने अली को दो टके का आदमी कह दिया और फिर पूरे वक्त उन पर सवाल उठाती रही। अली ने जब कहा कि उन्होंने किचन डस्टबिन पूरी तरह साफ किए हैं तो आजमा ने जवाब दिया, अपने मुंह से साफ करता न डस्टबिन, तू भी तो कचरा ही है, अपना मुंह डुबा लेता डस्टबिन में, अपने मुंह से साफ करियो डस्टबिन अगली बार। आजमा की बदतमीजी से परेशान होकर अली ने कहा कि तुम तो मेरे जूते से बात करो, तुम बस यही डिजर्व करती हो। वहीं अली ने कहा कि आजमा का मुंह किसी गटर की तरह नहीं है। इसके बाद आजमा ने बदतमीजी के हदें पार करते हुए कहा कि मुझे किसी अंकल की बेइज्जती नहीं करनी आती, बाहर मुझ पर लांछन लग जाएगा कि एक अंकल की बेइज्जती कर रही है। दोनों एक दूसरे को टारगेट करना जारी रखा और अली ने जहां आजमा के मुंह को गटर कहा तो भाई आजमा ने अली को बुड्ढा कह डाला। आजमा ने कहा बुड्ढा फुटेज लेने के लिए आ जाता है। आजमा ने जब कई बार अली के लिए बुड्ढा शब्द इस्तेमाल किया तो जवाब में अली ने कहा कि उन्हें एज शेमिंग से फर्क नहीं पड़ता है, वह और करण एक ही एज के हैं। अब आगे इस शो में क्या होगा ये देखना तो दिलचस्प होगा। आज की खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एरिया न्यूज़। धन्यवाद।